आप लोगों ने क्या सोच रखा है कि भैया जॉन भैया जो है वो अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर और अपने जो है वो शाहरुख खान और दीपिका जो है वो मुल्क को बचाने के लिए जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एक मिशन को सरंजाम देंगे और जो है वो आखिर में विलन को मार देंगे और यहाँ पे मुल्क बच जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये मूवी आपको अगर 1,000 रुपए का टिकट भी मिले ना भैया, देख के जाओ। और यहाँ पे भैया इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हो क्या रहा है। आप 2 मिनट के लिए अपनी कुर्सी को बिल्कुल ही, वो शाहरुख खान बोलते हैं ना, अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो, बिल्कुल ऐसा है। अपनी कुर्सी से आपको हिलने का टाइम नहीं मिलेगा। और जब तक ये मूवी खत्म नहीं होगी, मैं समझता हूं कि आप जो है वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे नहीं जाओगे। यकीन मानो, इस मूवी को मैं स्टार्टिंग से देख रहा था और एंड कब हो गया पता ही नहीं चला भैया, पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे यहाँ पे डायरेक्शंस के अंदर इस मूवी को शूट किया गया है, ऐसे ऐसे यहाँ पे VFX स्टार्ट किए गए हैं। ट्रेलर में जो चीज देखी आपने, अब लोग ये समझ रहे हैं कि भैया जॉन भैया अटैक करेंगे और यहाँ पे शाहरुख खान और दीपिका जो है मुल्क को बचाएंगे। नहीं, इसमें जो चीजें इंक्लूड हुई है ना वो अनबिलीवेबल है। इंटरवेल, भगवान कृष्णा की कसम खा के बोलता हूँ कि भैया इंटरवेल जो चीज है ना, अमेजिंग। और यहाँ पे सल्लू भाई भैया सलमान खान की जो एंट्री इस मोड़ के ऊपर हो जाती है, कुछ पता नहीं होता। अब मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा तो ये चीज जो है वो बुरी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा मूवी देखने का। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो कि आपके काम की है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन सिद्धांत आनंद ने, उसी के साथ यहाँ पे जो एक एक डायरेक्शन के अंदर जो मूवी शूट की गई है ना, अनबिलीवेबल है। और यहाँ पे भैया जिस तरीके का BGM स्टार्ट है और जिस तरीके का BGM एंड है और जिस तरीके की यहाँ पे BGM जो है वो चेंजिंग है, अनबिलीवेबल। गूसपम्स आ जाते हैं भैया, गूसपम्स आ जाते हैं। पैसा वसूल है, यकीन से मैं बोल रहा हूँ, पैसा वसूल है। जितना भी टिकट का पैसा है वसूल है। काफी टाइम के बाद SRK की वापसी है, लेकिन जो मूवी के अंदर एंट्री दिखाई गई है, अनबिलीवेबल। हम यहाँ पे फील करते हैं कि भैया 4 साल के बाद बंदा बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और जिस तरीके की एंट्री हमने यहाँ पे भैया एक एक्सपेक्ट की थी, वही एंट्री हमें देखने को मिली। जॉन भैया को किस तरीके से यहाँ पे विलन के रोल के अंदर डाला गया है। और यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद को एक चीज के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ कि भैया सीखना पड़ेगा इस बंदे से, बिल्कुल सीखना पड़ेगा कि भैया एक विलन को किस तरीके से बनाते हैं। और जॉन भैया ने जिस तरीके की एक्टिंग की है भैया, मानना पड़ेगा कि जॉन भैया विलन के कैरेक्टर में और ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। और विलन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जॉन भैया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जॉन के कैरेक्टर में, विलन के कैरेक्टर में, तो यहाँ पे ये चीज सिद्धार्थ आनंद से सीखनी भैया, बिल्कुल सीखनी है लोगों को। और यहाँ पे दीपिका भैया आराम से जो है वो ये बंदी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल बंदी है। और ये बंदी जो है वो अगर सेकंड मूवी जो है वो आने वाली है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, मूवी के अंदर सारे सस्पेंस आपको देखने को मिलेंगे और कौन से मोड़ के ऊपर कौन सा एक टर्निंग पॉइंट आता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और मूवी के अंदर 2-3 ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको मूवी से कनेक्टेड रखते हैं। मैं समझता हूं कि भैया इसकी एक्टिंग के अंदर 5 में से 5 स्टार है, इसकी BGM के लिए 5 में से 5 स्टार है, VFX के ऊपर थोड़ा काम हो सकता था, लेकिन वेरी गुड है, जबरदस्त है, बिल्कुल आपको हॉलीवुड वाली फील आएगी, अमेजिंग इसके अंदर स्टोरी लाइन है। उसी के साथ सल्लू भैया की एंट्री और जो पिछली मूवी है उसका कनेक्शन किस तरीके से निकलता है, मैं किसी मूवी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो है वो स्टोरी थोड़ी सी स्प्लॉयर हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मूवी है इसका हो सकता है कि हमारा सेकंड पार्ट भी देखने को मिले। और जिस तरीके का इसके अंदर जो मटीरियल दिया गया है और जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट कर किया गया है, अनबिलीवेबल। SRK ने भैया जिल जीत लिया। बाकी आप जाएंगे कब वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी ओवरऑल 5 में से 5 रेटिंग्स में इस मूवी को देता हूं। और मैंने जो खर्चा किया इस मूवी को देखने के लिए, Day 1 Day 0 वो मेरा वसूल हो चुका है। और यहाँ पे जो भैया एक सस्पेंस है वो हमेशा बरकरार रहता है इस मूवी के अंदर, और जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा अनबिलीवेबल। आप चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल को न्यू है तो आपको एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल और आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर छोटी से लेकर बड़ी अपडेट पठान के बारे में आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारी दाद हरे कृष्णा।